नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं चक द क्रिकेट। चलिए बढ़ते हैं क्रिकेट से जुड़ी आज की प्रमुख 11 खबरों की ओर। बीसीसीआई ने जारी किया भारतीय टीम के वर्ष 2020 का पूरा कार्यक्रम। बीसीसीआई ने अगले वर्ष यानी 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम कितने सीरीज एवं टूर्नामेंट खेलेगी, इसका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारत को अगले साल 2 टूर्नामेंट और 12 सीरीज खेलनी है। 2 टूर्नामेंटों में 1 सितंबर माह में एशिया कप और अक्टूबर नवंबर में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, जबकि द्विपक्षीय सीरीज की शुरुआत भारत 5 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ करेगा। फिर जनवरी में ही ऑस्ट्रेलिया, जनवरी से मार्च तक न्यूजीलैंड, मार्च में ही दक्षिण अफ्रीका, जून जुलाई में श्रीलंका, सितंबर अक्टूबर में इंग्लैंड, अक्टूबर में ही ऑस्ट्रेलिया और फिर साल 2020 का अंत भारत ऑस्ट्रेलिया से 4 मैचों का टेस्ट सीरीज खेलकर करेगी। बतौर विकेटकीपर और कप्तान एमएस धोनी बने इस दशक के महान खिलाड़ी। 2010 से 2019 का यह दशक कई खिलाड़ियों के नाम रहा और इन्हीं में भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने भी अपना सिक्का जमाया है। एमएस धोनी बतौर विकेटकीपर पिछले एक दशक में विकेट के पीछे वनडे में सर्वाधिक शिकार करने वाले कीपर बन गए हैं। इस दशक धोनी ने 196 वनडे मुकाबलों में विकेट के पीछे कैच व स्टंपिंग मिला 242 शिकार किए हैं, जो इस दशक वनडे में किसी अन्य विकेटकीपर की तुलना में सर्वाधिक है। साथ ही धोनी इस दशक बतौर कप्तान सबसे ज्यादा वनडे मैच जीतने वाले कप्तान भी बने हैं। उन्होंने इस एक दशक में कुल 71 वनडे मैच जीते हैं, जो किसी भी कप्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा रहे। हालांकि आपको बता दें कि धोनी ने 2017 में सीमित ओवरों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था, इसके बावजूद वे इस सूची में पहले नंबर पर हैं। पुजारा की गेंदबाजी के वीडियो पर धवन और अश्विन ने लिए मजे। भारतीय टेस्ट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अपनी गेंदबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर उन्हीं के टीम के साथी धवन और अश्विन ने कमेंट कर मजे भी लिए। दरअसल पुजारा द्वारा शेयर इस वीडियो में पुजारा उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी मुकाबले में अपनी गेंद पर अपील कर रहे हैं एवं पुजारा की अपील को मैदानी अंपायर ने जैसे ही स्वीकार किया, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ वो जश्न मनाने लगते हैं। हालांकि पुजारा के इस रिएक्शन को देखकर भारतीय टीम के साथी खिलाड़ी और ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने मजेदार कमेंट किया। उन्होंने लिखा, भाई कभी रनिंग करते समय भी इतनी तेज स्प्रिंट मार लिया कर, वैसे बहुत बढ़िया गेंदबाजी। जबकि वहीं अश्विन ने लिखा कि बहुत हो गई बल्लेबाजी, अब समय है और गेंदबाजी करने का। श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को मिलेगा बीसीसीआई का प्रतिष्ठित पुरस्कार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कृष्ण मचारी श्रीकांत एवं भारतीय महिला टीम के पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को इस साल बीसीसीआई पुरस्कारों में प्रतिष्ठित सीके नायडू आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार समारोह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला से पहले 12 जनवरी को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि श्रीकांत और अंजुम को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए इस आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। एक दशक में भारतीय टीम ने बनाया शतकों का अद्भुत रिकॉर्ड। 2010 से 2019 का यह दशक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए शानदार तो रहा ही, इस एक दशक में भारतीय टीम ने शतक का एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया है जिसके आसपास भी कोई अन्य टीम नहीं है। दरअसल भारतीय खिलाड़ियों ने बीते 10 साल में शतकों का महाशतक बनाया है। भारतीय टीम की ओर से 2010 से 2019 तक कुल 122 शतक लगाए गए हैं। इससे पहले किसी भी टीम ने एक दशक में 100 या इससे ज्यादा वनडे अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं जड़े हैं। शतकों के मामलों में इस दशक में दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पर आई है, उसकी टीम के खिलाड़ियों ने 92 शतक लगाए हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने बताया क्या रहा उनके लिए साल 2019 में उनके लिए सबसे खास लम्हा। भारतीय टीम के पूर्व मध्यक्रम बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने इस वर्ष के अपने सबसे पसंदीदा क्षणों में भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराने वाले लम्हों को शामिल किया है। लक्ष्मण ने कहा कि यह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छा साल रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर होने के नाते मेरा सपना हमेशा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना था, लेकिन मैं अपने करियर में इसे हासिल नहीं कर सका था। मैं बहुत खुश हूँ कि भारतीय टीम ने विराट कोहली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उसकी सरजमी पर हरा दिया, जो 2019 में भारतीय क्रिकेट में मेरा पसंदीदा पल रहा है। आपको बता दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर में दिसंबर 2018 में शुरू होकर जनवरी 2019 तक हुई 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी। वेस्ट इंडियन हेटमायर ने की सगाई, मंगेतर ने किया फोटो शेयर। वेस्ट इंडीज के सलामी एवं आक्रामक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर ने क्रिसमस के दिन सगाई कर ली है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड उमराव निर्वाणी के साथ काफी लंबे वक्त से रिलेशन में रहने के बाद यह सगाई की है। हेटमायर के साथ अपनी सगाई की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उनकी गर्लफ्रेंड ने लिखा कि क्रिसमस वाले दिन मेरे प्यार हेटमायर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैंने उन्हें हाँ में जवाब दिया है। आपको बता दें कि हेटमायर और उमराव ने कभी भी अपने रिश्ते को नहीं छिपाया और हमेशा ही अपने रिश्ते को लेकर काफी मुखर रहे हैं। मुंबई को मिली रेलवे से शर्मनाक हार, तो विनोद कांबली ने उठाए टीम पर सवाल।
रणजी ट्रॉफी में मुंबई की टीम को रेलवे के खिलाफ 10 विकेट से बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है, जिस कारण अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली ने रेलवे से हार के बाद तो मुंबई के टीम सिलेक्शन पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने इसे ही हार का जिम्मेदार भी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि इस मैच में श्रेयस और शिवम दुबे नहीं खेले, जबकि अभी अंतर्राष्ट्रीय मैच में 7 से 8 दिन का समय है। जब आपके पास इतना टाइम हो तो आप बेहतर टीम के साथ उतरना पसंद करेंगे। गांगुली के 4 देशों के सुपर सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने माना बेहतरीन। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली द्वारा प्रस्तावित 4 देशों के सुपर सीरीज को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी केविन रॉबर्ट्स ने बेहतरीन माना है। केविन रॉबर्ट्स ने कहा है कि यह कमाल का सुझाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके संक्षिप्त कार्यकाल में ही कोलकाता में दिन रात का टेस्ट खेला गया और नतीजा शानदार रहा। अब सुपर सीरीज का प्रस्ताव भी उमदा है। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस प्रकार की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेगा कि नहीं, परंतु उनके सकारात्मक बातों से उम्मीद की जा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया इसके लिए राजी जल्द हो जाएगा। पीसीबी अध्यक्ष के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर मियांदाद ने दिया भारत पर विवादित बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष आशान मनी के बाद अब उनके पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने भी भारत के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत असुरक्षित है। यहां पर्यटक असुरक्षित हैं, इंसान होने के नाते हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है। मैं पाकिस्तान की ओर से बात कर रहा हूं और मेरा मानना है कि भारत के साथ सभी तरह के खेल संबंध खत्म कर दिए जाने चाहिए। सभी देशों को भारत के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आईसीसी से भी गुहार लगा दी कि असुरक्षित भारत में टीमों को जाने से आईसीसी विदेशी टीमों को रोके। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के खिलाड़ी ने लिया क्रिकेट से संन्यास। गोवा के स्पिनर शादाब जकाती ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि शादाब जकाती आईपीएल में पहली बार चैंपियन बनने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सदस्य थे। बाद में वे गुजरात लायंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जैसी टीमों का भी हिस्सा रहे थे। शादाब जकाती ने 92 प्रथम श्रेणी मैचों में 275 विकेट हासिल किए हैं। जकाती ने 1998-99 सीजन में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था, हालांकि वह कभी भी भारतीय टीम में जगह नहीं बना सके। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। हम आशा करते हैं कि आपको क्रिकेट से जुड़ी आज की 11 खबरें पसंद आई होंगी। क्रिकेट से जुड़ी प्रतिदिन की खबरें एवं पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।